देशभर में ताऊ के नाम से मशहूर रहे पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय देवीलाल की 109वीं जयंती पर हरियाणा की पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी विरोधी 7 पार्टियों के प्रमुखों को एक साथ लाने में कामयाब रहे। चौटाला की फतेहाबाद रैली में जिन 6 राज्यों के प्रमुख नेता पहुंचे, उनमें हरियाणा के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, केरल, पंजाब और त्रिपुरा शामिल हैं। इन 6 राज्यों में लोकसभा की कुल 133 सीटें हैं और इनमें से 54 पर बीजेपी के सांसद हैं। यहाँ की 79 लोकसभा सीटें इस समय भाजपा के खिलाफ ताल ठोक रहे दलों के पास हैं। चौटाला ने फतेहाबाद में सम्मान दिवस रैली अपनी पार्टी इनेलो के बैनर तले की। मजेदार बात यह है कि इनेलो का लोकसभा राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में भी इसका सिर्फ 1 MLA है। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला सिरसा जिले के एलानाबाद सीट से विधायक है। कहा जा सकता है कि महज 1 MLA वाली चौटाला देश की 7 पार्टियों के नेताओं को एक साथ लाने में सफल रहे। ऐसे में यदि तीसरे मोर्चे का गठन होता है तो इनेलो 1986 का इतिहास दोहरा सकती है, जब ताऊ देवीलाल ने हरियाणा में ही जींद से तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट किया था। चौटाला की रैली में पहुंचे सभी नेताओं के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा रही। कांग्रेस या दूसरी किसी पार्टी के खिलाफ कोई नेता कुछ नहीं बोला। तेज तर्रार भाषण के लिए मशहूर इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने मंच से सिर्फ भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ना तो अपने पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP पर कोई तीखा कटाक्ष किया और न ही कांग्रेस पर। चौटाला भाजपा के खिलाफ सभी दलों से एकजुट होने की अपील करते नजर आए। वहीं इनेलो की फतेहाबाद रैली में तीसरे मोर्चे के गठन से जुड़े सवाल पर हरियाणा के CM मनोहर लाल ने चुटकी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की खिचड़ी बनाने का कोई अर्थ नहीं है। जब भी चुनाव आता है तो इस तरह की पार्टियां तीसरे मोर्चे की बात करने लगती हैं। ये पार्टियां देश में कई बरसों से तीसरे मोर्चे के गठन की बात कर रही हैं, मगर कभी बन नहीं पाता। इस बार भी वह टिक नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।